ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਕੌਣ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਚਨਾ ਖਹਿਰਾ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੋ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਧਾਂਦਲੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਸਟਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੱਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕੌਣ ਲੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਜਾਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਕਸਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਸਲੀਲਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਤੇ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। देखिए, FIR का अभी डिटेल्स जो है वो मैंने चेक नहीं किया है, मुझे अभी वहाँ पे उन्होंने FIR की कॉपी भी प्रोवाइड नहीं कराई है, तो इस बात के ऊपर अभी कमेंट करना ठीक भी नहीं होगा। हमें नहीं मालूम किस सेक्शन से, बट ये ज़रूर है कि जो भी रिपोर्ट में बताया गया है, मैं और मेरा पेपर, हम दोनों उस रिपोर्ट की एक एक जो भी फैक्ट है उसके साथ हम लोग जो है, हम उसको अभी भी सपोर्ट करते हैं, हम स्टैंड करते हैं। और जो भी भारत सरकार को UIDAI के ऑफिशियल्स के अगेंस्ट, उनकी इस केयरलेसनेस के अगेंस्ट कि जिससे भारत के हर एक नागरिक का जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिक डोमेन में गई है, तो भारत सरकार को हमारी जो भी सपोर्ट की ज़रूरत है हम उसको प्रोवाइड करने को तैयार हैं। आगे क्या रणनीति? आगे रणनीति डिपेंड करता है कि आगे क्या है, अभी तो हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन इस बारे में आई नहीं है। अभी ये सब कुछ यही तय होगा कि जो कि FIR हमारे पास डिटेल है उसके ऊपर ही नई अगली रणनीति तय की जाएगी। ये जो FIR दर्ज हुई है, इससे पहले आपको इंक्वायरी में किसी में शामिल होने का कोई न्योता दिया गया था? जी, मेरे साथ अभी कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है जिसपे मुझे किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी, किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी, किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी, किसी ने भी मेरे से अभी तक किसी इस बारे में कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया है, ना ही मुझसे कोई इस बारे में जानकारी मांगी गई है। जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही है वो मेरे ऑफिस लेवल पे, ट्रिब्यून ऑफिस चंडीगढ़ लेवल पे हो रही है, मेरे एडिटर इन चीफ के ऑफिस से हो रही है, और बाकी जो भी सपोर्ट उनको मेरे से चाहिए वो हम उनको सारा डेटा प्रोवाइड करा रहे हैं। जो भी सबूत हैं, चाहे वो वीडियोग्राफी है, चाहे वो हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस की, जो भी हमारे पास इस स्टोरी से रिलेटेड जो भी प्रूफ्स हैं उनके मल्टीपल कॉपीज बना के, उनकी कुछ कॉपीज जो हैं वो हमारे दिल्ली ऑफिस और हमारे चंडीगढ़ ऑफिस हेडक्वार्टर्स को भेज दी गई हैं। नहीं जी, नहीं, हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसे पुलिस के भी कोई भी पूछताछ किसी भी एंगल पर शुरू नहीं हुई है, और हमें कुछ पंजाब पुलिस के साइबर क्राइम से कुछ एक टीम आई थी ज़रूर, और वो उन्होंने हमसे पूछा था कि किस जो हमने कहाँ पे हमने सारा ये स्टिंग ऑपरेशन किया है उसका, वो हमसे हार्ड डिस्क की कॉपी उन्होंने मांगी थी, हमने उनको प्रोवाइड करा दी है। इसके अलावा और कोई पूछताछ नहीं हुई है। आपके खिलाफ जो FIR हुई उसकी सूचना आपके पास कैसे हुई?
जी हमें मीडिया से ही है, हमारे पास कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, ना ट्रिब्यून चंडीगढ़ को और ना ही मुझे कोई भी ऑफिशियल इस बारे में कंफर्मेशन दी गई है कि FIR, ये पता है कि FIR लॉज हुई है, जो कि इंडियन एक्सप्रेस की आज रिपोर्ट भी है कि FIR लॉज हुई है और सेक्शंस भी उन्होंने बताए गए हैं, लेकिन हमारे पास अभी उसकी कॉपी नहीं आई है। कौन से थाने में FIR लॉज हुई? हमें ये मालूम चला है कि साइबर क्राइम सेल दिल्ली में हुई है। दिल्ली में हुई है, पंजाब में नहीं हुई है, ये दिल्ली पंजाब में नहीं हुई है, दिल्ली के साइबर क्राइम सेल में हुई है, जो कि एज पर मीडिया रिपोर्ट्स। आपका FIR होने के बाद फर्स्ट रिएक्शन क्या? मैंने अपना फर्स्ट रिएक्शन जो अपने ट्विटर अकाउंट पे डाला है, मेरी जो लड़ाई है, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरी जो लड़ाई है वो आधार प्रोजेक्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके अगेंस्ट या UIDAI के अगेंस्ट नहीं है, ये लड़ाई उन ऑफिशियल्स के अगेंस्ट है जिनकी नेग्लिजेंस के कारण जो भारत सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी, एक लोगों के जो पर्सनल जो इन्फॉर्मेशंस थी जो उनको सहमतने को और जो उनको एक स्टोर करने को दी थी, उसका वो सही तरीके से निर्वाह नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण जो है हमारे एक नेशनल सिक्योरिटी बीच और एक नेशनल सिक्योरिटी जो कंसर्न है वो रेज हुआ है। आपको लगता है कि सरकार की आपके खिलाफ FIR करना अपने आप में एक केस सेटिंग एक्सरसाइज है? जी, जहाँ तक मुझे लगता है कि जो FIR लॉज हुई है, इसको सरकार की तरफ से कहना ठीक अभी नहीं होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से नहीं हुई है, ये UIDAI की तरफ से हुई है, और वो भी कुछ ऐसे ऑफिशियल की तरफ से हुई है जिसने अपना नाम अभी, जिसका नाम जो है वो भी नहीं पता चला है। अब ये जब FIR की कॉपी हमारे पास में आती है, उसके बाद ही हम ये बता सकते हैं कि ये सरकार की तरफ से ये नहीं है, बट जहाँ तक मुझे मालूम है कि सरकार की तरफ से नहीं है, UIDAI जो है उसकी गलती हुई है और उसने उसको माना है अपनी स्टेटमेंट में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार इस चीज़ को बहुत ही सीयर वे से देखेगी और सीरियसली लेके और जो भी ये ऑफिशियल्स हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लेगी। आप क्या चाहते हैं कि FIR को स्क्रैप किया जाए या आप FIR जो आरोप उनको आपके ऊपर लगाए हैं वो उनको प्रूव करके दिखाएं? देखिए, FIR की स्क्रैपिंग जहाँ तक बात है, अगर FIR बेहतर तो ये होता कि उन्होंने अगर कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन किया है, अगर कुछ उनको कोई इसमें इन्वेस्टिगेशन करनी थी तो वो हमारे ऑफिस से कांटेक्ट करते, मेरे से कांटेक्ट करते और मेरे से पूरी बात समझते और मुझसे जो भी वो इन्वेस्टिगेशन इंटरनल लॉन्च करके जो भी ऑफिशियल्स हैं उनको वो उसके बारे में उनके ऊपर एक्शन लेते। बट FIR अगर दर्ज कराई है तो ये उन्हीं की सोच है, किसने कराई है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि जब तक FIR की कॉपी नहीं आती हम कुछ भी इस बारे में कहने में I think it's not right to speak or to comment on the FIR. ये जो FIR है, एक जर्नलिस्ट के खिलाफ भी है और एक वुमेन रिपोर्टर के खिलाफ भी है। Will you contact, will you approach the National Commission for Women also? आई थिंक नेशनल कमीशन को अप्रोच करने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी दिल्ली और चंडीगढ़ और जलंधर में इतना मीडिया का जो गुस्सा फूटा है और जो एक मीडिया सपोर्ट आया है सामने, एंड नॉट ओनली फ्रॉम नेशनल मीडिया बट इंटरनेशनल मीडिया ऑल्सो, आई थिंक कि इस बारे में नौबत नहीं आएगी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी फोर्स्ड टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट द एयरिंग ऑफिशियल्स ऑफ द UIDAI। ਰਚਨਾ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਸ ਮਜ਼ਾਰੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। If you like the news, please like and share the news. Subscribe the channel. Sikh Dharam di har gatividhi ate gurbani vaste hune subscribe karo Gurbani Akhand Bani ate notifications vaste bell no ring karo.